दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। हियर यू हैव टू राइट फोर केमिकल इक्वेशंस फॉर दीज ऑर्गेनिक रिएक्शंस। रिएक्शन ऑफ सोडियम इथेनोएट इन प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट, रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो अब इसको इंडिविजुअली देखते हैं हम और एक एक करके इसकी इक्वेशंस लिख देते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज सोडियम इथेनोएट। ये आपने प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में पढ़ा हुआ है। सोडियम इथेनोएट इज एक्चुअली सोडियम एसीटेट। तो आप इसको इस तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की फॉर्म में लिख दीजिए और इसका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड इज एक्चुअली क्विक लाइम और इसको थोड़ा हीट करना पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो CH3 है ये CH4 में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में ये कार्बोनेट की फॉर्म में यहाँ से सेपरेट हो रहा है। ये सोडियम कार्बोनेट साथ में आपको एज अ बाय प्रोडक्ट मिलेगा। सो एक्चुअली दिस इज द रिएक्शन। अब देखते हैं सेकेंड रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन ऑफ एसीटोन विथ एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, या इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट 6 भी कह सकते हैं हम। तो सबसे पहले तो एसीटोन यानी प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर बना लीजिए। एसीटोन का ही IUPAC नेम प्रोपेनॉन है। तो अब जब इसकी फर्दर ऑक्सीडेशन होगी, किसी कीटोन की जब ऑक्सीडेशन होती है, और याद रखिएगा कि जब हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिख रहे होते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम एरो पर लिख देते हैं, जबकि जो नेसेंट ऑक्सीजन है उसे हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं ताकि उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये ऑक्सीडेटिव क्लेवेज होती है बेसिकली जब कभी भी कीटोन को ऑक्सीडाइज किया जाएगा। यहाँ पर इक्वल चांसेस है कि ये बॉन्ड ब्रेक हो या ये बॉन्ड ब्रेक हो। जहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा वहाँ से आकर ऑक्सीजन सब्स्टिट्यूट होगी और इसको कन्वर्ट कर देगी एसिटिक एसिड में, जबकि रिमेनिंग जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेंगे और वाटर फॉर्म करेंगे। अब इस इक्वेशन को इसी लिहाज से बैलेंस करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऑक्सीजन है, जबकि एक ऑक्सीजन यहाँ पे ऑलरेडी थी। इसका मतलब है कि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन आएंगे। अच्छा हाइड्रोजन कितने हैं जनाब? 3 हाइड्रोजन, 1, 2, 3, वो तीन के तीन हाइड्रोजन यहाँ मौजूद हैं। एक कार्बन जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से सेपरेट हुआ वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में सेपरेट हो गया है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो गई है, बैलेंस भी है। वैसे एक और बात बताते चलें कि ऑर्गेनिक इक्वेशन अगर बैलेंस नहीं भी हो रही हो तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको एज इट इज़ छोड़ दिया करें। इवन कि अगर आपके पास आपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं भी ड्रॉ किया है तो भी आप, अगर आपकी मेन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सही है तो आप इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज इथेनोइक एसिड जिसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और ये तो है ही एसीटोन। एसीटोन का IUPAC नेम प्रोपेनॉन होता है।
अच्छा तीसरा रिएक्शन देखते हैं, हाइड्रेशन ऑफ इथाइन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मर्क्यूरिक सल्फेट। तो सबसे पहले इथाइन के स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए, दिस इज इथाइन। हाइड्रेशन है तो वाटर लिख दीजिए यहाँ पर। बेसिकली इट इज टू स्टेप रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर की फॉर्मेशन, वाटर जो है इसमें ऐड होगा, और एरो के ऊपर आपको लिख देना है सल्फ्यूरिक एसिड। और बेहतर यह है कि एरो हम थोड़ा सा बड़ा बना लें, और दोनों रिएजेंट जो है एक साथ ऊपर ही लिख दें, HgSO4 और थोड़ा सा इसको हीट करने की जरूरत पेश आती है। तो आपके पास यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी इनोल की, कि बेसिकली किसी एक कार्बन पर हाइड्रोजन आकर ऐड होगा और दूसरे पर OH ऐड होगा। तो फिर इसको 1 मिनट सही कर लेता है, मुनासिब नहीं है कि हम ऑर्गेनिक रिएक्शन को इतना ज़्यादा मिला मिला कर लिखें। तो हम लिख सकते हैं H2C डबल बॉन्ड CH और इस पे OH लगा दीजिए। ये एक इनोल इंटरमीडिएट बनता है, और इनोल इसमें रीअरेंजमेंट होगी। और याद रखिएगा कि जो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता है वो रिवर्सिबल होता है, लेकिन इससे आपके मार्क्स पे कोई फर्क नहीं, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसको इस लिहाज से जरूर याद रखिएगा कि फ्यूचर में भी तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना हो सकती है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है किस किस्म के होते हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है मोस्टली आपके पास रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, ज़रा लार्जर हो गया था। ओ अच्छा, तो चलें कोई मसला नहीं है। मैं इसको जो है दोबारा से लिख देता हूँ। रीअरेंजमेंट अभी भी वो एरर से बाहर निकल गया। खैर, तो अब जब रीअरेंजमेंट होगी तो क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट आप देखिए प्रोडक्ट क्या बन रही है, ये सिंगल बॉन्ड रह गया, ये CH रहा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड के साथ आ गया। तो अगर आप नोट करें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, दो कार्बन एटम मौजूद हैं, इसका नाम है, इसको कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड कह सकते हैं हम, एसिटाल्डिहाइड। और IUPAC नेम इसका है एथेनॉल। अच्छा, एथेनॉल एथेनॉल मिलते जुलते हैं, तो यहाँ पे अपने जो लेटर्स हैं उनको बहुत अच्छा सा साफ सुथरा बनाइए। तो दिस इज एसिटाल्डिहाइड कॉमन नेम एंड, अच्छा मैंने देखें एथेनॉल लिख दिया, एथेनॉल नहीं है ये एथेनल है। तो एथेनॉल कर देते हैं इसको, एथेन क्लियरली ए होना चाहिए, क्लियर, अगर नाम लिख रहे हैं तो। अगर नहीं लिख रहे हैं तो ना लिखें, जरूरी नहीं है यहाँ पे लिखना, लेकिन अगर लिख रहे हैं तो फिर सही लिखें। तो ये तीन रिएक्शन हो गए। अब चौथे रिएक्शन की तरफ प्रोसीड करते हैं हम।
नाउ दिस इज द फोर्थ रिएक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ एसिटिक एसिड विद लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। अच्छा, जब इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट के साथ हम रिडक्शन प्रोसेस की इक्वेशन लिखेंगे, तो चलें पहले तो आप ही लिख दीजिए एसिटिक एसिड की का फॉर्मूला। ये आ गया आपके पास एसिटिक एसिड। लेकिन जिस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम एरो पर लिखते हैं, इस तरह से इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट जो हैं NaBH4, LiAlH4, इनको हम, ये रिएजेंट्स हैं लेकिन हम इनको एरो के ऊपर लिखेंगे। लेकिन ये प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, ये एक्चुअली दे आर प्रोवाइडिंग हाइड्रोजन। अब किस फॉर्म में कर रहे हैं, एक अलहदा बात है कि हाइड्राइड की फॉर्म में कर रहे हैं कि हाइड्रोजन एटम की फॉर्म में कर रहे हैं, हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर उसकी तादाद लिख देंगे। तो ये हो जाएगा CH3। ये जो C है, यहाँ पे दो CH2 आ जाएंगे। एक्चुअली होता यह है कि जो C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये बेसिकली ये रिड्यूस हो जाता है, इसकी ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाती है और यहाँ पर दो हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, और जो OH है वो अपनी जगह एज इट इज मौजूद रहता है। ठीक है, तो ये जो CH2 है, बेसिकली ये दो हाइड्रोजन ये इस रिड्यूसिंग एजेंट ने प्रोवाइड किया है, ये OH अपनी जगह बरकरार रहा है। तो अब आप देखिए, दो हाइड्रोजन तो यहाँ आ गए, तो ये जो यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो कहाँ जाएगा, वो बाकी दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो इस तरह से आपके पास एसिटिक एसिड से इथेनोइक एसिड या कोई सा भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो इस रिएक्शन को याद रखिएगा, ये रिएक्शन पुराने सिलेबस में नहीं था, नए सिलेबस में है ये। इसको आप चाहें तो एसिटिक एसिड लिखें, चाहें तो इथेनोइक एसिड लिखें, इथेनोइक एसिड। और फिर मैं आपको याद दिला दूं कि मैं तो हर चीज़ का नाम लिख रहा हूँ साथ में, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आपके लिए एग्जाम में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इन्होंने कहीं पूछा ही नहीं है और एक ही नंबर का तो क्वेश्चन ही है, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन में 4 इक्वेशन आपको ड्रॉ करना है।